नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ADH हार्मोन के बारे में। ADH जिसका मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यह है हाइपोथैलेमस और ये जो ADH हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में तैयार होता है। वहाँ से हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ADH हार्मोन सिक्रीट होता है। ADH हार्मोन के दो मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है तो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करना, वाटर बैलेंस करना। दूसरा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। फ्लूइड बैलेंस कैसे होगा, तो किडनी से वाटर रीअब्सॉर्प्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा। दूसरा है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे बीपी को नियंत्रित यहाँ पे किया जाता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि मेजर करते रहते हैं ब्लड में सोडियम का लेवल, सोडियम कितना है वो मेजर करते रहते हैं। अगर सोडियम की लेवल ब्लड में बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, तो वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे कि बॉडी में पानी की कमी हुई है। पानी की कमी हुई है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि आप ADH को सिक्रेट करो। ADH सिक्रेट ब्लड में सिक्रेट होने से वो क्या कहाँ पे जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा वो किडनी में। किडनी में लगे हुए रहते हैं कलेक्टिंग डक्स रहते हैं, जो क्या करेंगे, वाटर रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाएंगे, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट जो है अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। वाटर रीअब्सॉर्प्शन होने के वजह से वाटर जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाए, फ्लूइड लेवल थोड़ा बॉडी में मेंटेन होगा, ब्लड बढ़ जाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है, बैलेंस करता है, वाटर को बैलेंस करता है बॉडी में। ADH सोडियम को भी बैलेंस करता है और फ्लूइड को भी बैलेंस करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।